नमस्कार राधे राधे दोस्तों, आज मैं लाई हूँ सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग। ये देखिए, ये हमारा 2.25 मीटर कपड़ा है जिससे हमें बनानी है सूट। तो आइए देखिए, कपड़े को हम ये देखिए डबल फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। ये हमारी राइट साइड है, ये देखिए, और ये हमारी रॉन्ग साइड है। अब हम इसमें रॉन्ग साइड से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। अब हम सूट की लंबाई का नाप ले लेंगे। लंबाई है हमारी 40 इंच। सूट की लंबाई हो गई हमारी 40 इंच। इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे हम। इसमें हमारा हिप का मेजरमेंट का माप है 42। 42 का हम ले लेंगे 1/4 पार्ट, जो आ जाएगा हमारा 10.5। अब हम 10.5 में 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें गले का माप ले लेंगे, जो है 2.5 इंच, क्योंकि हमें 2.5 इंच ही मांगा है तो हम 2.5 इंच ही ले लेंगे। अब नेक से शोल्डर तक हमारा 7 इंच, टोटल 7 इंच होगा। अब इसमें हमें ये ध्यान देना है, 2.5 इंच नेक हो गया, 4.5 इंच हमारा हो गया शोल्डर, टोटल 7 इंच हो गया हमारा। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की लेंथ है हमारी 6.5 इंच। मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ, आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। अब हमारी आर्म होल की लंबाई आ जाएगी, जो है 7 इंच। अब इसमें ध्यान दीजिए, फ्रंट पार्ट का आर्म होल 1/2 इंच डीप होगा और शोल्डर भी 1/2 इंच डाउन ले लेंगे। ये आ गया हमारा आर्म होल। अब इसमें हम 1/2 इंच मार्किंग करके आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये हमारी नेक की, ये हमारी आर्म होल की, दोनों की मार्किंग हो चुकी है। अब हम कमर की लंबाई नाप लेंगे। कमर की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं इसमें ले रही हूँ 14.5 इंच। इसमें मार्किंग कर लेंगे हम। अब इसमें आपने ध्यान देना है, देखिए जितनी ये हम हिप की लंबाई ले लेंगे, हिप की लंबाई हमारी होगी जितनी हमारी चेस्ट से कमर तक की लंबाई है, उतनी हम कमर से हिप की लंबाई ले लेंगे। अब हम चेस्ट की विड्थ नाप लेंगे, जो है हमारी 38, जिसका चौथा भाग होगा हमारा 9.5। कमर की विड्थ है हमारी 36, जिसका चौथा भाग आ जाएगा हमारा 9। हिप की विड्थ है हमारी 42, 42 का चौथा भाग होगा हमारा 10.5। दामन हमें स्ट्रेट चाहिए, तो दामन की विड्थ भी हमारी 10.5 ही होगी। अब हम इन निशानों को मिलाते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
ये हमारी सूट की माप हो गई। देखिए 2 इंच अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ेंगे, 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए चाहिए। तो ये हमारा आ गया 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। हिप्स से दामन तक हमें 1.5 इंच रखना है, क्योंकि इसमें हमें चाक बनानी होती है तो इसमें मार्जिन कम चाहिए होता है। अब इसी शेप में हम फ्रंट पार्ट को कट कर लेंगे, इस तरीके से कट कर देंगे। ये आ गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब इसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट को भी हम डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद रॉन्ग साइड से हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। बैक पार्ट में भी हम 1/2 इंच ये शोल्डर डाउन कर लेंगे। हमने बैक पार्ट में फ्रंट पार्ट को बिछा लिया है, इसी शेप में हम इसे कट कर देंगे। जिसमें हमने मार्किंग की है इसमें हमारी सिलाई आ जाएगी। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, बैक पार्ट को इसी एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ लेते हुए हम कट कर देंगे। ये आ गए हमारे दोनों पार्ट। ये है हमारा फ्रंट पार्ट, ये बैक पार्ट, दोनों निकल गए हमारे। फ्रंट पार्ट की आर्म होल 1/2 इंच डीप कटेगी। इसमें से हमने बैक पार्ट को हटा दिया है, फ्रंट पार्ट लिया है। अब हम मेन मार्किंग में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि हमें सिलाई करने में आसानी हो। आप जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। दोनों को साथ में लेते हुए हमने कट्स लगाए थे, ये देखिए। ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, इसमें से हम स्लीव्स निकाल लेंगे। अब स्लीव्स निकालने के लिए राइट साइड अंदर जाएगी, रॉन्ग साइड हमारी बाहर आएगी। कपड़े को हम डबल फोल्ड करते हुए 4 फोल्ड में कर लेंगे। अंदर साइड फोल्ड करने के लिए 1 इंच ये हमारा मार्जिन छूट गया। अब यहाँ से हम लेंथ लेंगे, स्लीव्स की लेंथ। स्लीव्स की लेंथ है हमारी 19 इंच। ये आ गई हमारी 19 इंच। 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई के लिए रख लेंगे हम। अब हमारी आर्म होल है टोटल 18 इंच। 18 का 1/2 हो गया हमारा 9 इंच। 9 इंच में हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए ले लेंगे। ये देखिए ये आ गया 10 इंच टोटल। ये हमारी आर्म होल की 9 इंच मार्किंग हो गई। एक्स्ट्रा 1 इंच मार्जिन छोड़ा है 10 इंच। यहाँ से डाउन ले लेंगे हम 3 इंच। 3 इंच ये हमारा डाउन आ जाएगा स्लीव्स। अब हम 3 इंच जो हमने डाउन किया था उसको हम मिलाते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये आ गई हमारी मोहरी। मोहरी है टोटल हमारी 10 इंच। 10 का 1/2 हो गया 5 इंच। ये आ गया हमारा 5 इंच। 2 इंच आगे को एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। ये आ गया हमारा मार्जिन। अब हम इन निशानों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। रखिए, इसमें मैं एक बात बताना भूल गई,
फोल्ड साइड हमेशा अपनी तरफ रहेगी और खुली साइड सामने की तरफ रहेगी, निशान की तरफ खुली साइड आएगी ये। अब स्लीव्स को हम कट कर देंगे। ये देखिए, ये आ गई हमारी स्लीव्स, आ गई हमारे। अब हम स्लीव्स की फ्रंट साइड हाफ इंच कट कर देंगे। अब हमारी सूट की कटिंग हो गई है पूरी। अब हम करेंगे सिलाई। ये हमारा नेक बन के रेडी है। अब हम इसको फ्रंट पार्ट में बैठाएंगे। अगर आपको नेक बनाना नहीं आता तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, अगली वीडियो में नेक पर ही बनाऊंगी। ये हमारी राइट साइड है, ये हमारी रॉन्ग साइड है। अब हम राइट साइड से कट मिलाते हुए नेक को सेट कर लेंगे। ये देखिए, हमारा नेक डिजाइन बनके तैयार है। अब हम बैक नेक के लिए एक उरेब पट्टी निकाल लेंगे, जो हमें सिंपल नेक गोलाई देते हुए बनाना है। ये हमारा बैक साइड नेक है, ये हमारी राइट साइड है। राइट साइड से हम जो हमने ये पट्टी ली थी, इस पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए इसमें रखकर हम इसमें सिलाई दे देंगे। अब हम इसको इस तरीके से अंदर की तरफ पलट देंगे। अब हम इसमें फर्स्ट पार्ट में बैक नेक को जॉइन करेंगे। दोनों साइड के शोल्डर में सिलाई दे देंगे। ये इस तरीके से, ये हमने सिलाई दे दी। ये देखिए, इसमें सिलाई आ गई, ये आ गया हमारा। ये हमारा सूट का नेक बनके तैयार है। अब हम ये कपड़े को उल्टा करके जहाँ पर हमने ये निशान दे रखे हैं, इस निशानों को मिलाते हुए हम इसमें ऊपर से लेकर हिप तक सिलाई दे देंगे इसमें हम। ये हमने स्टिच कर लिया है। अब हम दूसरी साइड को यहाँ नाप लेकर, ये देखिए, इस तरीके से इस साइड से दूसरे साइड तक नाप लेकर, ये 19 इंच आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। दोनों साइड इस तरीके से नाप लेते हुए आप कमर की हिप की बराबर से नाप लेते हुए चेस्ट तक मिलाते हुए इस तरीके से निशान लगाते हुए इस तरीके से आप इसमें सिलाई दे सकते हैं, ताकि हमारा दोनों साइड बराबर से सिलाई बैठ सके। ये आ गए हमारे साइड से चाक बन जाएंगे ये, इस तरीके से कट्स लगाते हुए दोनों साइड मिलाते हुए। अब हम इनको इस तरीके से फोल्ड, अंदर साइड फोल्ड करते हुए, क्योंकि ये सूट के चाक हैं तो थोड़े से चौड़े आ सकते हैं, चौड़ाई हो सकती है इनकी। इस तरीके से हम इसमें सिलाई दे देंगे।
इस तरीके से सिलाई देते हुए अब हम इसको टर्न करेंगे सुई की नोक टिकाते हुए। इस तरीके से यहाँ पर हम इसको बराबर मिलाते हुए तिरछी से सिलाई दे देंगे हम इसमें। एक सिलाई इस तरीके से आ जाएगी ये। आगे पीछे लेते हुए ये हमारा चाक बनके तैयार है। इसी तरीके से दूसरी साइड की भी हम चाक निकाल लेंगे। ये हमारे दोनों साइड्स के चाक बनके तैयार हैं। लंबाई को नापते हुए इस तरीके से दामन को हम अंदर साइड पलट देंगे, बराबर लेते हुए फोल्ड कर देंगे। ये इस तरीके से हमारा दामन बनके तैयार है। इसमें हमने कच्ची सिलाई दे रखी है, बाद में हम इसमें तुरपाई कर लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो हमारे दोनों साइड से हैं, इस साइड से ये, इनमें ये वाला साइड, इनमें जो ये धागे निकल आते हैं हमारे, अगर आपके पास इंटरलॉक की कोई सुविधा नहीं है तो आप इन्हें इस तरीके से बंद करके सिलाई दे सकते हैं। ये इस तरीके से ये हमारे दोनों साइड बनके रेडी हैं। अब हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब हम स्लीव्स को गोलाई में जॉइन करेंगे। आप स्लीव्स को शोल्डर से भी जॉइन कर सकते हैं, पर मैंने इसमें गोलाई दे रखी है। अब हम स्लीव्स को स्टिच कर देंगे इस तरीके से। अब हम स्लीव्स की कलाई में निशान लगाएंगे। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से लगा सकते हैं। मेरे मेजरमेंट में 5 इंच है। उसके बाद हम आर्म होल पे निशान लगाएंगे। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से निशान लगा सकते हैं। ये हमारे दोनों स्लीव्स तैयार हैं, इस तरीके से तैयार हैं। अब इनमें ये हमें एक्स्ट्रा कट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम सूट के साइड से जिस तरीके से हमने तैयार किए थे, उसी तरीके से इन्हें भी तैयार कर देंगे। ये हमारे स्लीव्स के साइड्स स्टिच होके तैयार हैं। अब हम गोलाई में स्लीव्स जॉइन कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा सूट का आर्म होल है, ये हमारा स्लीव्स का आर्म होल है। देखिए, इसमें स्लीव्स का आर्म होल बड़ा है, तो हम इसमें मार्क लगा के उसी शेप में हम इसे कट कर देंगे।
ये इस तरीके से हमारा सूट का आर्म होल और स्लीव्स का आर्म होल दोनों बराबर में आ गए। अब इसमें स्लीव्स और सूट की सिलाई से सिलाई मिलाते हुए हम दोनों को गोलाई में जॉइन कर लेंगे। इस तरीके से इस सिलाई से सिलाई मिलाते हुए राइट साइड से हम रॉन्ग साइड को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम इसमें गोलाई में सिलाई दे देंगे। ये हमारा स्लीव्स जॉइन हो गया गोलाई में इस तरीके से। ये इसमें हम एक एक्स्ट्रा स्टिच और कर लेंगे। इसी तरीके से हम देखिए इस तरीके से जॉइन हो गया बिल्कुल सफाई के साथ। इसी तरीके से हम दूसरा स्लीव्स भी जॉइन कर लेंगे। ये हमारा दूसरा स्लीव्स भी जुड़ के रेडी है। आई होप दोस्तों मैं आपको अच्छे से सिखा पाई हूँ। अगर आपको लगा है कि मैं आपको सिखा पाई हूँ तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कहीं पर भी लगा है कि मैं आपको अच्छे से नहीं सिखा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये हमारी सूट कंप्लीट हो चुकी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।